कैसे हैं आप सब बॉलीवुड स्पाई की ऑडियंस को मेरा यानी कि राहुल भोज का नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि मैं लेकर आया हूं 2.0 यानी कि रोबोट 2.0 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जानना चाहते हैं आप तो चलिए मेरे साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इस फिल्म के कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर वन, ये जो फिल्म है ये रोबोट का जो कि फिल्म आई थी, याद है आपको, ऐश्वर्या राय और रजनीकांत सर की, ये उसी का सीक्वल है और इसका नाम है रोबोट 2.0। फिल्म के डायरेक्टर होंगे एस शंकर साहब, जिन्होंने रोबोट बनाए, जिन्होंने आई बनाई थी विक्रम के साथ, और अब ये रोबोट 2.0 लेकर आ रहे हैं। ये जो फिल्म है रोबोट 2.0 ये आने वाली थी 2017 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये फिल्म आ रही है 2018 में। कोई बात नहीं, हमें 2018 का भी इंतज़ार रहेगा। और इस फिल्म में रजनीकांत के साथ साथ हम देखेंगे अक्षय कुमार को जो कि एंटेगनिस्ट बने हैं, और इसमें हम देखेंगे एमी जैक्सन को। एमी जैक्सन से याद आया मुझे, शी इज़ वेरी प्रिटी यार, वेरी गॉर्जियस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर। दोस्तों, रोबोट 2.0 जो ये फिल्म है ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, यानी कि सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, ये फिल्म एंटायरली 3D में शूट हुई है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इंडिया की जो फिल्में 3D में आप देखते हैं वो शूट तो नॉर्मल होती है लेकिन उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। रोबोट 2.0 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 3D में शूट हुई है, प्लस ये जब फिल्म रिलीज होगी 2018 में तो ये एक साथ 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी रिलीज होगी, मतलब हिंदी ले लो, तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, कन्नड़ ले लो, सारी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। वाओ यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। दोस्तों, फिल्म का बजट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वही फिल्म की परिभाषा डिफाइन करता है। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। इस फिल्म का जो बजट है वो है 400 करोड़ का, और ये इंडिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी फिल्म के साथ नहीं हुआ। इनफैक्ट बाहुबली का तक इतना बजट नहीं था, और ये एशिया की दूसरी ऐसी मूवी है जिसका इतना हैवी बजट है। इंडिया की पहली ऐसी मूवी प्लस रीजनल ऐसी वो मूवी है जिसका मोर देन 400 बजट है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ग्रैंड होने वाला है पूरी फिल्म का सिनेरियो। दोस्तों, अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो कास्टिंग में सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो मेन लीड का है, प्रोटैगनिस्ट का है, जो कि डॉक्टर वसीकरण है, और चिट्टी है जो कि सेम ही है, रजनीकांत जी उसे प्ले करते हैं। शंकर सर ने, यानी कि डायरेक्टर सर ने सबसे पहले ये रोल आमिर खान को ऑफर किया था। जी हाँ, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपने एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि हाँ, मुझे ऑफर किया था शंकर सर ने ये स्क्रिप्ट, और मैंने जब पढ़ी तब मैं अपने आप को इस कैरेक्टर में इमेजिन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रजनी सर की ही परिभाषा आ रही थी कि रजनी सर इस कैरेक्टर को बखूबी निभा सकते हैं, तो इसीलिए आमिर खान ने ये फिल्म डिसमिस कर दी। सेकेंड, मैं कास्टिंग की बात करूँ तो फिल्म का मेन एंटेगनिस्ट यानी कि डॉक्टर रिचर्ड जो कि क्रो बन जाते हैं ड्यूरिंग सम एक्सपेरिमेंट, तो ये जो कैरेक्टर है ये सबसे पहले कमल हासन जी को ऑफर हुआ था, फिर उसके बाद ये कैरेक्टर विक्रम को ऑफर हुआ जिन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है एक फिल्म के लिए, और फिर उसके बाद ये कैरेक्टर आर्नोल्ड को, जो कि हॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनको ऑफर हुआ। आर्नोल्ड को सब चीज़ जमी लेकिन आर्नोल्ड ने अपनी फीस ज़्यादा बोल दी, उन्होंने 100 करोड़ बोले फॉर 30 डेज। 30 डेज का स्केड्यूल था, अगर ये स्केड्यूल कहीं ऊपर नीचे हो जाता तो आर्नोल्ड उससे ज़्यादा चार्ज करते। मेकर्स ने सोचा कि इतना पैसा नहीं है तो लेट्स कास्ट अनदर एक्टर, तब जाके हमारे अक्षय कुमार यानी कि खिलाड़ी कुमार बने डॉक्टर रिचर्ड्स। दोस्तों, अक्षय कुमार इसमें मेन एंटेगनिस्ट बने हैं डॉक्टर रिचर्ड्स, ड्यूरिंग सम एक्सपेरिमेंट कुछ गलत हो जाता है और वो क्रो बन जाते हैं, उनमें अलग तरीके की शक्तियां आ जाती हैं। अक्षय कुमार का जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अमेजिंग है, और उन्हें देख कर है ना एक डर सा लग रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे। इंटरनेट में उनकी फ़ोटोज़ हैं सारी, और अब तो मेकिंग भी आ चुकी है रोबोट 2.0 की। मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो मेकअप किया है सीन फूट ने। सीन फूट वो हैं जिन्होंने एवटार फिल्म में, जेम्स कैमरॉन की जो फिल्म थी उसमें सारे जितने भी एवटारियंस थे उनका मेकअप किया था। ये तो बात रही मेकअप की। मेकअप से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ, अक्षय कुमार ने बताया एक इंटरव्यू में कि वो 6 से 7 घंटे मतलब लग जाते थे उन्हें मेकअप, वो पूरा लुक लेने के लिए, वो क्रो का लुक लेने के लिए, और उसके लिए वो सबसे पहले शूटिंग में आ जाते थे, मतलब सेट पर आ जाते थे, और फिर उसके बाद उनका मेकअप होता था, फिर उसके बाद वो बैठे रहते थे, फिर अपने डायलॉग्स करते थे और तब जाके सीन देते थे। मतलब अक्षय कुमार के लिए जो शूटिंग स्केड्यूल रहा ये बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक रहा। But hats off to you, Mr. Hard Worker.
फिल्म की अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक दिया है हमारे नेशनल अवार्ड विनर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान साहब ने। फिल्म का एक गाना है जो कि यूक्रेन में शूट होने वाला था, रजनी सर पे ये फिल्माया जाने वाला था, लेकिन रजनी सर की अनफॉर्चुनेटली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था कि इंडिया के बाहर मत जाओ। तब जाके पूरा सेट लगाया गया और इंडिया में ही उस फिल्म की उस सॉन्ग की शूटिंग हुई। फिल्म में एक सॉन्ग ऐसा भी है दोस्तों जिसमें फुल ऑन VFX का इस्तेमाल किया गया है और वो आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये पूरा VFX है, क्योंकि फिल्म जो है वो हैविली VFX बेस्ड है। रोबो 2.0 एक ऐसी फिल्म है जिसके राइट्स अभी से ही बिक चुके हैं। राइट्स इसलिए खरीदते हैं लोग ताकि उसको अपने चैनल में डाल सकें, उसको इधर उधर पब्लिश कर सकें। हिंदी के राइट्स की अगर मैं बात करूं तो 80 करोड़ में बिके हैं इस फिल्म के राइट्स, और सैटेलाइट राइट्स की मैं बात करूं तो 110 करोड़ के बिके हैं राइट्स। मतलब आधी से ज़्यादा प्रॉफिट तो हमारे डायरेक्टर साहब ने यहीं पर कमा लिया। ये एक ऐसी फिल्म है रोबो 2.0 जो कि रीजनल लैंग्वेज की फिल्म है, और ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में कि रीजनल फिल्म के राइट्स इतने महंगे और इतने मतलब इतने बिग कैनवास में बिके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रजनी सर इसमें 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स में नज़र आएंगे। पहला वो बने हैं रोबोट, दूसरे वो बने हैं साइंटिस्ट, फिर उसके बाद वो 2 बौने बने हैं, और थर्ड वो एक विलेन के रूप में भी देखे जा सकते हैं इस फिल्म में। ट्रांसफॉर्मर्स देखी है आपने, माइकल बे की फिल्म है वो, उसके काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर फिल्म के जो एक्शन डायरेक्टर हैं, क्योंकि अमेजिंग वो डायरेक्ट करते हैं, तो रोबोट 2.0 के एक्शन सीन्स भी उन्होंने डिज़ाइन करे हैं। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग होगा कि ट्रांसफॉर्मर जिन्होंने मतलब एक्शन सीन जिसके डायरेक्ट किए वो अब इसमें इंडिया में काम करेंगे। वाओ यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इस फिल्म में जो VFX दिया है, पहले ये बताइए, लाइफ ऑफ पाई देखी है आपने, आपने 300 देखी है जेरार्ड बटलर की, उस फिल्म में जिन्होंने VFX दिया है जॉन हक्स एंड वॉल्ट, उन्होंने ही फिल्म रोबो 2.0 में स्पेक्टेक्युलर VFX दिया है। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस फिल्म के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊँगा और आपको अपना रिव्यू बताऊंगा। वेल वो सब छोड़िए, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे? आर यू एक्साइटेड फॉर रोबोट 2.0? और हमारे खिलाड़ी कुमार को क्रो के रूप में देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन आपका सेक्शन है, उसे इस्तेमाल कीजिए थोड़ा, और अपने कमेंट मुझे बताएं। क्यों? क्योंकि चैनल आपका चैनल है बॉलीवुड स्पाई। अरे हाँ, चैनल से एक और बात याद आई दोस्तों, आपके इस बंदे का भी चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी आरा, FILMY फिल्मी यारा, YAARA। आप उस चैनल में जाके यानी कि फिल्मी यारा में जाके एंटरटेनमेंट का और डोज इंजेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।